हेलो बच्चों, आओ इस वीडियो में अल्फाबेट सीखते हैं। ए, ए से एंड यानी चींटी। देखो यहाँ चींटियां हैं। ए, बी, बी से बम्बल बी यानी मधुमक्खी। मधुमक्खी कैसी आवाज बनाती है? बज बज। देखो यहाँ पे मधुमक्खी है। बी, बी के बाद क्या आता है? बिल्कुल सही, सी। सी से कैट यानी बिल्ली। बिल्ली कैसी आवाज बनाती है? म्याऊ म्याऊ। देखो यहाँ पे भी बिल्ली बैठी है। सी, सी के बाद क्या आता है? डी, डी से डायनासोर। देखो यहाँ डायनासोर है। डी, ई, ई से एलिफेंट। एलिफेंट यानी हाथी। क्या आपको पता है धरती पर रहने वाला सबसे बड़ा जानवर हाथी होता है? देखो यहाँ पे हाथी है। ई, ई के बाद क्या आता है? ए, बी, सी, डी, ई, एफ। एफ फॉर फ्रॉग यानी मेंढक। मेंढक कौन सी आवाज निकालता है? रिबिट रिबिट। देखो यहाँ पे मेंढक है। एफ, एफ के बाद आता है जी। जी से जिराफ। क्या आपको पता है जिराफ सबसे लंबा एनिमल होता है? देखो यहाँ पे जिराफ की फोटो है। जी, एच, एच से हैंड यानी हाथ। देखो यहाँ पे हाथ बने हुए हैं। एच, एच के बाद क्या आता है? बिल्कुल सही, आई। आई से आइसक्रीम। आइसक्रीम कितनी यमी होती है ना? देखो यहाँ पे आइसक्रीम बनी हुई है। आई, जे, जे से जेली बीन। देखो यहाँ पे जेली बीन्स बनी हुई हैं। जे के बाद क्या आता है? बिल्कुल सही, के, के से कैंगरू। देखो यहाँ पे कैंगरू और उसका बेबी बना हुआ है। के, एल, एल से लेमन यानी कि नींबू। क्या आपको पता है नींबू एक फल होता है ना कि एक सब्जी? एल, एल के बाद क्या आता है? एम, एम से मंकी यानी बंदर। देखो यहाँ पे दो बंदर बने हुए हैं। एम, एम के बाद क्या आता है? हाँ, एन, एन से नूडल्स। नूडल्स तो मेरे फेवरेट हैं, क्या आपके भी फेवरेट हैं? देखो यहाँ पे नूडल्स बने हुए हैं। एन के बाद आता है ओ। ओ से आउल यानी कि उल्लू। आउल कैसी आवाज निकालता है? हूट हूट। देखो यहाँ पे उल्लू बना हुआ है। ओ, ओ के बाद क्या आता है? पी, पी से पिग यानी सुअर। सुअर कैसी आवाज निकालता है? ओइंक ओइंक। देखो यहाँ पर सुअर बना हुआ है। पी, पी के बाद क्या आता है? बिल्कुल सही, क्यू। क्यू से क्वीन यानी कि रानी। रानी राजा की बीवी होती है। देखो यहाँ पे रानी बनी हुई है और उसने अपना मुकुट भी पहना हुआ है। क्यू, क्यू के बाद क्या आता है? बिल्कुल सही, आर। आर से रैबिट यानी खरगोश। आपको पता है खरगोश को सबसे ज्यादा गाजर पसंद होती है? आर, आर के बाद क्या आता है? एस, एस से स्नेक यानी कि सांप। सांप कैसी आवाज निकालता है? हिस हिस। देखो यहाँ पे सांप बना हुआ है। एस, एस के बाद क्या आता है? टी, टी से ट्री यानी कि पेड़। देखो यहाँ पे पेड़ बना हुआ है। टी, टी के बाद क्या आता है? यू, यू से अम्ब्रेला यानी कि छाता। देखो यहाँ पे छाते बने हुए हैं। छाता हमें बारिश से बचाता है। यू के बाद आता है वी। वी से वॉल्केनो यानी ज्वालामुखी। देखो यहाँ पे ज्वालामुखी बना है। वी, डब्ल्यू, डब्ल्यू से वाटर यानी पानी। देखो यहाँ पानी है। बच्चों आपको बहुत सा पानी पीना चाहिए ताकि आप स्वस्थ रहें। W, X, X से ज़ाइलोफ़ोन।
ज़ाइलोफोन एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। देखो यहाँ पे ज़ाइलोफोन बना है। एक्स के बाद आता है वाई, वाई से योयो। देखो यहाँ योयो बना है वाई। तो अब हमारा आखिरी अल्फाबेट कौन सा है? बिल्कुल सही, जी। जी से जीब्रा। देखो यहाँ पे जीब्रास बने हुए हैं। जीब्रास की बॉडी पे काली धारियां बनी होती हैं। जी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो थम्स अप दबाएं। बाय बाय। हेलो बच्चों, चलो आज सीखेंगे नंबर्स, शेप्स और कलर्स इस वीडियो में। हमारा पहला नंबर है एक, यानी कि वन। इसमें एक बैंगनी यानी कि पर्पल डॉट है। क्या आप देख के बता सकते हैं यहाँ पर बैंगनी नंबर एक कहाँ रखा हुआ है? जी हाँ, ये रहा नंबर एक यानी कि नंबर वन, बैंगनी रंग का। अब हम एक रिंग इस पेग पर डालेंगे। हमारा अगला नंबर है दो यानी कि टू। यहाँ पे दो पिंक डॉट्स हैं यानी कि गुलाबी डॉट्स। क्या आप गुलाबी दो ढूंढ सकते हैं? ये रहा बिल्कुल सही जवाब, नंबर दो। मेरे पास दो गुलाबी रंग की रिंग्स हैं, एक दो। अब ये आपकी बारी है गिनने की, एक दो। अगला नंबर क्या है? चलो गिन के देखते हैं, एक दो तीन यानी कि थ्री। यहाँ पर तीन नारंगी डॉट्स हैं। अब हमें नारंगी रंग के तीन को ढूंढना है। क्या आप ढूंढ सकते हो? यस, ये रहा तीन। मेरे पास तीन नारंगी रंग के रिंग्स हैं, एक दो तीन। क्या आप मेरे साथ गिन सकते हैं? एक दो तीन। गुड जॉब। तीन के बाद क्या आता है? तीन के बाद चार आता है यानी कि फोर। यहाँ पर चार नीले डॉट्स हैं। क्या आप नंबर चार ढूंढ सकते हो? यस, ये रहा नंबर चार। मेरे पास चार नीले रंग के रिंग्स हैं, एक दो तीन चार। क्या आप मेरे साथ गिनोगे? एक दो तीन चार। चार के बाद क्या आता है? चलो गिन के देखते हैं, एक दो तीन चार पांच यानी कि फाइव। यहाँ पांच नीले डॉट्स हैं यानी कि ब्लू डॉट्स। क्या आप मुझे बता सकते हैं नंबर पांच कहाँ है? यस, बिल्कुल सही, ये रहा नंबर पांच। अब हम पांच रिंग्स इस पेग पर रखेंगे। मेरे पास पांच रिंग्स हैं, एक दो तीन चार पांच। अब आपकी बारी है गिनने की, एक दो तीन चार पांच। गुड जॉब गाइस। पांच के बाद क्या आता है? पांच के बाद छः आता है, छः यानी कि सिक्स। यहाँ पर छः हरे डॉट्स हैं यानी कि ग्रीन डॉट्स। क्या आप हरा नंबर छः ढूंढ सकते हैं? ये रहा नंबर छः। मेरे पास छः रिंग्स हैं हरे रंग की, एक दो तीन चार पांच छः। क्या आप मेरे साथ गिनोगे? एक दो तीन चार पांच और छः। छः के बाद क्या आता है? चलो गिन के देखते हैं, एक दो तीन चार पांच छः सात। सात यानी कि नंबर सेवन। क्या तुम यहां पर नंबर सात ढूंढ सकते हो? बिल्कुल सही, ये रहा सात। मेरे पास
सात हरे रंग की रिंग्स हैं। एक, दो, तीन, चार, पांच, छः, सात। अब तुम्हारी बारी है इन्हें गिनने की। एक, दो, तीन, चार, पांच, छः, सात। गुड जॉब गाइस। सात के बाद क्या आता है? सात के बाद आठ आता है। आठ यानी कि एट। यहाँ पर आठ पीले डॉट्स हैं, यानी कि येलो डॉट्स। क्या आप यहाँ पर पीले रंग का आठ ढूंढ सकते हैं? जी हाँ, सही जवाब ये रहा, नंबर आठ। मेरे पास आठ रिंग्स हैं। आप मेरे साथ गिनोगे? एक, दो, तीन, चार, पांच, छः, सात, आठ। ऑसम जॉब। आठ के बाद क्या आता है? चलो गिन के देखते हैं। एक, दो, तीन, चार, पांच, छः, सात, आठ, नौ, यानी कि नाइन। यहाँ पर नौ नारंगी डॉट्स यानी कि ऑरेंज डॉट्स हैं। चलो नौ नंबर ढूंढते हैं। ये रहा नंबर नौ। मेरे पास नौ रिंग्स हैं। चलो मेरे साथ गिनो। एक, दो, तीन, चार, पांच, छः, सात, आठ, नौ। नौ के बाद आता है दस। दस मतलब कि टेन। यहां पर दस लाल डॉट्स हैं, यानी कि रेड डॉट्स। क्या आप नंबर दस ढूंढ सकते हो? ये रहा दस। मेरे पास दस लाल रिंग्स हैं। क्या मेरे साथ गिन सकते हो? एक, दो, तीन, चार, पांच, छः, सात, आठ, नौ, दस। ग्रेट जॉब गाइस। अब बारी है इन शेप्स को ढूंढने की, यानी कि आकार को ढूंढने की। ये कौन सा आकार है? ये एक स्क्वायर है, यानी कि चौरस। क्या आप यहाँ पर लाल रंग का चौरस ढूंढ सकते हैं? सही जवाब ये रहा स्क्वायर, यानी कि चौरस। एक स्क्वायर की चार बराबर साइड्स होती हैं। ये कौन सा आकार है? ये है गोला, यानी कि सर्कल, नारंगी रंग का गोला। क्या आप यहां पर नारंगी रंग का गोला ढूंढ सकते हैं? सही जवाब ये रहा नारंगी गोला, यानी कि ऑरेंज सर्कल। एक सर्कल की कोई साइड नहीं होती। ये कौन सी आकार है? ये है त्रिकोण, यानी कि ट्रायंगल, पीले रंग का ट्रायंगल, येलो ट्रायंगल। क्या आप ढूंढ सकते हैं येलो ट्रायंगल? हाँ, ये रहा पीला त्रिकोण, यानी कि येलो ट्रायंगल। एक त्रिकोण की तीन साइड्स होती हैं। ये कौन सा आकार है? ये है तारा, यानी कि स्टार, हरे रंग का तारा, यानी कि ग्रीन स्टार। क्या आप यहां पर ग्रीन स्टार ढूंढ सकते हैं? यस, ये रहा तारा। ये कौन सा आकार है? ये एक हेक्सागन है, यानी कि षटभुज। ये हरे रंग का षटभुज है। क्या आप हरे रंग का षटभुज ढूंढ सकते हैं? हाँ, ये रहा हेक्सागन, यानी कि षटभुज। एक षटभुज की छह साइड्स होती हैं। ये कौन सा साइन है? ये एक प्लस साइन है,
यानी कि जोड़ने का साइन। क्या आप यहां पर प्लस साइन ढूंढ सकते हैं? हाँ, ये रहा प्लस साइन, यानी कि जोड़ने का साइन। ये कौन सा साइन है? ये एक लाइन की तरह दिखता है ना, इसे कहते हैं माइनस साइन, यानी कि घटाने का साइन। क्या आप यहां पर माइनस साइन ढूंढ सकते हैं? हाँ, ये रहा नीला माइनस साइन। ये कौन सा साइन है? इसे कहते हैं मल्टीप्लिकेशन साइन, यानी कि गुना करने का साइन। क्या आप यहां पर मल्टीप्लिकेशन साइन ढूंढ सकते हैं? ये रहा मल्टीप्लिकेशन साइन, यानी कि गुना करने का साइन। ये कौन सा साइन है? इसे कहते हैं डिवीजन, यानी कि भाग करना। क्या आप डिवीजन का साइन ढूंढ सकते हैं? हाँ, ये रहा डिवीजन। इस साइन को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ग्रेटर देन साइन। ये रहा ग्रेटर देन साइन, ये बैंगनी रंग का ग्रेटर देन साइन है। नंबर एक, यानी कि वन। नंबर दो, यानी कि टू। नंबर तीन, यानी कि थ्री। नंबर चार, यानी कि फोर। नंबर पांच, यानी कि फाइव। नंबर छह, यानी कि सिक्स। नंबर सात, यानी कि सेवन। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात। हमारे पास यहां सात गाड़ियां हैं। चलो अब इन गाड़ियों को इनके गैराजेस में डालते हैं। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात। यहां पे हमारे पास एक, दो, तीन, चार, पांच, छह और सात। यहां हमारे पास सात गैराज हैं और हमारे पास सात गाड़ियां हैं। इसका मतलब हर गाड़ी के लिए एक गैराज। चलो इन गाड़ियों को इनके गैराज में डालते हैं। नंबर एक, यानी कि वन। ये कौन सा रंग है? ये है लाल रंग, यानी कि रेड कलर। नंबर एक गाड़ी कहां जाएगी? यहां, एक नंबर गैराज में। नंबर दो, यानी कि टू। ये कौन सा रंग है? ये है नारंगी रंग। क्या आपको यहां नारंगी गैराज दिख रहा है? हाँ, ये रहा। ये गई नंबर दो गाड़ी दो नंबर गैराज में। दो के बाद क्या आता है? बिल्कुल सही, नंबर तीन, यानी कि थ्री। ये कौन सा रंग है? ये है पीला रंग, यानी कि येलो कलर। ये गाड़ी कहां जाएगी? ये भी पीले रंग के गैराज में जाएगी। ये रहा तीन नंबर गैराज। तीन के बाद क्या आता है? नंबर चार, यानी कि फोर। ये कौन सा रंग है? ये है हल्का हरा, यानी कि लाइट ग्रीन कलर। ये गाड़ी कहां जाएगी? यहां पे नहीं, ये तो नंबर पांच है।
ये है नंबर 4 गैराज। चलिए इस गाड़ी को नंबर 4 गैराज में पार्क करते हैं। नंबर 4। 4 के बाद क्या आता है? 5, यानी कि 5। ये कौन सा रंग है? ये है गहरा हरा रंग, यानी कि डार्क ग्रीन कलर। ये गाड़ी कहां जाएगी? बिल्कुल सही, ये जाएगी यहां। चलो इसे यहां पार्क कर देते हैं नंबर 5 गैराज में। 5 के बाद क्या आता है? बिल्कुल सही, नंबर 6, यानी कि नंबर 6। ये कौन सा रंग है? ये है नीला रंग, यानी कि ब्लू कलर। ये गाड़ी कहां जाएगी? क्या तुम्हें यहां नीले रंग का गैराज दिख रहा है? बिल्कुल सही, चलो इसे नीले रंग के गैराज में पार्क कर देते हैं। 6 के बाद क्या आता है? नंबर 7, यानी कि नंबर 7। ये कौन सा रंग है? ये है बैंगनी रंग, यानी कि पर्पल कलर। क्या आपको यहां पे बैंगनी रंग का गैराज दिख रहा है? क्या ये बैंगनी गैराज है? नहीं, ये तो हरा है। यस, ये रहा बैंगनी गैराज। चलो इस गाड़ी को बैंगनी गैराज में पार्क करते हैं। 1, लाल रंग। 2, नारंगी रंग। 3, पीला रंग। 4, हल्का हरा रंग। 5, गहरा हरा रंग। 6, नीला रंग। 7, बैंगनी रंग। हमारी पहली शेप है एक गोला, यानी कि सर्कल। ये एक हरे रंग का गोला है, यानी कि ग्रीन कलर का। गोल शेप की कोई भी साइड्स नहीं होती। पीला, यानी कि येलो गोला। लाल गोला, यानी कि रेड सर्कल। नीला गोला, यानी कि ब्लू सर्कल। हमारी नेक्स्ट शेप है रेक्टेंगल। ये एक लाल रेक्टेंगल है। एक रेक्टेंगल की 4 साइड्स होती हैं। 1, 2, 3, 4। एक रेक्टेंगल में सिर्फ ऑपोजिट साइड्स ही बराबर होती हैं। नीला रेक्टेंगल, यानी कि ब्लू रेक्टेंगल। पीला रेक्टेंगल, यानी कि येलो रेक्टेंगल। हरा रेक्टेंगल, यानी कि ग्रीन रेक्टेंगल। हमारी नेक्स्ट शेप है त्रिकोण, यानी कि ट्रायंगल। ये एक नीला त्रिकोण है, यानी कि ब्लू ट्रायंगल। एक त्रिकोण की 3 साइड्स होती हैं। 1, 2, 3। त्रिकोण। हरा त्रिकोण, यानी कि ग्रीन ट्रायंगल। पीला त्रिकोण, यानी कि येलो ट्रायंगल। लाल त्रिकोण, यानी कि रेड ट्रायंगल। हमारी नेक्स्ट शेप है चौकोर, यानी कि स्क्वायर। ये एक लाल चौकोर है, यानी कि रेड स्क्वायर। एक चौकोर की 4 बराबर साइड्स होती हैं। 1, 2, 3, 4। नीला चौकोर, यानी कि ब्लू स्क्वायर। हरा चौकोर, यानी कि ग्रीन स्क्वायर। पीला चौकोर, यानी कि येलो स्क्वायर। हमारी अगली शेप है पंचकोण, यानी कि पेंटागन। ये एक हरा पंचकोण है, यानी कि ग्रीन पेंटागन। पंचकोण की 5 साइड्स होती हैं। 1, 2, 3, 4, 5। नीला पंचकोण, यानी कि ब्लू पेंटागन। पीला पंचकोण, यानी कि येलो पेंटागन। लाल पंचकोण,
यानी कि रेड पेंटागन। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय। पहला नंबर है 0, 0। अगला नंबर है 1। यहां एक मकई का पौधा है, नंबर 1। अगला नंबर है 2। यहां 2 गाजर हैं, 1, 2, नंबर 2। 2 के बाद क्या आता है, आइए गिन के देखते हैं। 0, 1, 2, 3। यहां 3 सेब हैं, 1, 2, 3, नंबर 3। अगला नंबर है 4। यहां 4 नाशपातियां हैं, 1, 2, 3, 4, नंबर 4। 4 के बाद क्या आता है, आइए गिन के देखते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5। यहां 5 मटर हैं, चलो इन्हें गिनते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, नंबर 5। 5 के बाद क्या आता है, 6। यहां 6 संतरे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, नंबर 6। 6 के बाद क्या आता है, चलो गिन के देखते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यहां 7 स्ट्रॉबेरीज हैं, आओ स्ट्रॉबेरीज गिनते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, नंबर 7। 7 के बाद क्या आता है, 7 के बाद 8 आता है। यहां 8 ऑलिव्स हैं, चलो ऑलिव्स को गिनते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, नंबर 8। 8 के बाद क्या आता है, चलो गिनते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यहां 9 ब्लूबेरीज हैं, चलो इन्हें गिनते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, नंबर 9।